चीफ मिनिस्टर साहब का कल दो लेटर इश्यू हुए, एक हमारे पास आया है इंग्लिश का और एक शायद सर्कुलेट हुआ है मीडिया के, हमको मालूम पड़ा वो पंजाबी में था, फिर हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लिया, वो भी पता है। उसमें चार्जेस लगाए हैं, नाराज हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका समझ है। पर इसमें गवर्नर के यहाँ पर दो रोल हैं, ऐसे गवर्नर ड्यूटीज अलग हैं, गवर्नर इज वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो ऐसे वाइस चांसलर गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। पैन वाइस चांसलर और चांसलर नहीं, सॉरी सॉरी चांसलर, स्लिप ऑफ टंग, आई पार्डन, चांसलर करेक्ट, चांसलर का रोल और गवर्नर का रोल अलग अलग है, दोनों में एक काफ़ी फर्क है। ऐसे चांसलर यूनिवर्सिटी की गाइड करना, यूनिवर्सिटी का सब काम करना, ये चांसलर का काम होता है। बल्कि यदि देखा जाए जजमेंट भी आए हुए हैं, वो जजमेंट के हिसाब से तो जजमेंट ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, मतलब ये काम यूनिवर्सिटी का, चांसलर यूनिवर्सिटी, ऐसा है। अब हम जहाँ गवर्नर बन के आए तो करीब करीब एक साल हो गया, हमने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों का क्या हो रहा है, आएगी पहले यूनिवर्सिटी वगैरह की, पंजाब अपना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की फाइल, मतलब दो बार डेट है आई है, एक तो हमारे पहले के गवर्नर साहब के पास आई थी जब वो वाइस चांसलर थे, उनके पास इसलिए गई थी कि अनिरुद्ध तिवारी हैं आईएएस ऑफिसर, उनको चार्ज देना चाहिए, उसके लिए फाइल आई थी, और उस समय एज ए वाइस चांसलर उन्होंने अप्रूव किया, चेंज है वो कि आप चार्ज दे सकते हो एज ए चांसलर ही, गवर्नर का रोल नहीं रहता है यूनिवर्सिटी में, वन थिंग एज ए चांसलर का ही रोल है। फिर चौदह दस को आई, चार्ज दिया जाए सरबीत सिंह जी को, वो भी अप्रूव किया, फिर तीसरी फाइल आई, तीसरी बार आई नहीं, दोबारा आई थी 14-10 को,
चार टू डी के तिवारी IAS इनको देने का, तीसरी बार आई सर्वजीत सिंह को, उनको चार्ज देने का, तो वो भी हमने अप्रूव किया। हमारा क्वेश्चन किया गया, पूछा हमने हमारे सेक्रेटरी को, भाई ये क्या प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, ऐसे चार्ज कब तक के देते रहेंगे? एनीवे मतलब हम सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया कि चार्ज कब तक देते रहेंगे जी? डीडी क्वेश्चन था पंजाब गवर्नमेंट हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने फाइलें भेजी और हमसे रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा कि आप इनका ये करिए एक्सटेंशन। जी जी सर, समझ गए ना? तो तीन बार ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू गिविंग चार्ज, गिविंग द टेंपरेरी चार्ज। आई विल टॉक, यूनिवर्सिटीज का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आई वाज बेफर्ड ऑन द कंट्री। तो इसके बाद में तीन बार मतलब एक्सटेंशन के लिए चांसलर के पास फाइल आती है, तीन बार एक्सटेंशन के लिए, और फाइनल जब अपॉइंटमेंट आता है उसकी जरूरत नहीं है। यदि चांसलर का कोई रोल ही नहीं है तो ये फाइल तीन बार कैसे आई, फिर चौथी बार कितनी आई? अपॉइंटमेंट में रोल नहीं है, एक्सटेंशन में रोल है। दिस इज नंबर वन इशू। सो वी एज ए चांसलर वी अप्रूव ऑल द थ्री टाइम्स, तीनों टाइम हमने अप्रूव हुआ। फिर अब चांसलर को अधिकार नहीं की बात यदि करते हैं तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है, अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब वो यूनिवर्सिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, चलिए हम एक बार उसी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट में भी सेक्शन 13 का सब सेक्शन 11, उसमें चांसलर है, उसके नीचे वाइस चांसलर रहता है, वाइस चांसलर का अपॉइंट करना है, वाइस चांसलर है नहीं, चांसलर को मैसेज आना चाहिए ना कि भाई प्रोसेस शुरू करिए, अपॉइंटमेंट करना है, या बोर्ड मान लो फॉर द टाइम बीइंग की बोर्ड करता है, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड करेगा, बोर्ड को अधिकार है, तो बोर्ड को अधिकार है तो वहाँ पर इसका चेयरमैन तो चांसलर है ना बोर्ड का, वाइस चांसलर वाज नॉट इन्फॉर्म। चांसलर को तो माइनस करके उसको बताना ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़े, वो सीक्रेसी से चीफ सेक्रेटरी प्रिसाइड कर रहा है, ही हैज नो रोल। बोर्ड को प्रिसाइड कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी। अरे वाइस चांसलर प्रिसाइड मान लो करे कि वो एग्जीक्यूटिव है, परंतु चांसलर को तो बुलाना चाहिए। आखिर में उनका मेन, मैं ये ग्रेट मतलब आई डोंट एग्री टू इट, परंतु मैं आपके सामने रखता हूँ कि उनका बोलना ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से CM साहब का बोलना ऐसा है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, जो अपॉइंटमेंट होगा वो पंजाब अपना लुधियाना यूनिवर्सिटी के एक्ट से ही होगा, यही बोलना है ना उनका। UGC लागू नहीं है ऐसा उनका बोलना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ग्रहित फॉर द टाइम बीइंग ऐसा भी समझ लो कि आपका एक्ट लागू होता है, तो आपका एक्ट भी यदि लागू होता है तो ये इशू है ना, चेयरमैन
चांसलर है, बोर्ड का चेयरमैन। चांसलर को आप खबर तक नहीं करते, कुछ भी नहीं, और कहते हो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। चांसलर है किस लिए? चांसलर का रोल तो रहता है ना, कोई भी खबर नहीं, ब्लेम करना। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन आगे मैं बताऊं, आपको तो मालूम है मैं यहाँ गवर्नर होके आया हूँ। उसके पहले मैं तमिलनाडु में था, आई वॉज गवर्नर तमिलनाडु फॉर 4 ईयर। वहाँ पर 20 यूनिवर्सिटी हैं, 20 यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। मैं 20 यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर, एज ए चांसलर मैंने वहाँ पर जब आया हूँ, मैंने नोटिंग है, मैं 27 वाइस चांसलर मैंने अपॉइंट किए, 27 वाइस चांसलर आई हैव अपॉइंटेड एज ए चांसलर ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटीज इन तमिलनाडु, लीगली एज पर द लॉ। अब ये काम है चांसलर का, वो ड्यूटी यदि कर रहे हैं तो ये लूज टाक करना, ये एलिगेशन लगाना कि कोई ऊपर से कर रहा है, किसको फुर्सत है ऊपर से, कहाँ मेरे को फुर्सत है। 27 यूनिवर्सिटी में वहाँ कर चुका, बल्कि मेरे से सीखना चाहिए सब, बल्कि किस तरीके से होता है, क्या कायदे हैं, मेरे से कोई छिपे हुए हैं क्या, मेरे को पूछने की जरूरत है किसी? परंतु यदि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं एज ए चांसलर पूरी नहीं करता हूँ तो आई फील गिल्टी, माई कॉन्शियस विल नॉट परमिट, मेरा नेचर है। कभी भी ये सवाल ही नहीं है बातें की कम्युनल बात उठाई जा रही है, क्यों उठाना चाहिए? इश्यू कोई एक्स या वाई या जेड का है क्या? मैं तो पंजाब में कौन कैपेबल है कौन नहीं है मैं जानता ही नहीं ना, मेरे को तो इंटरव्यू लूंगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन कैपेबल है इनमें से। 3 पैनल आएंगे, 3 का मैं इंटरव्यू लूंगा, जो बेस्ट होगा मैंने किया। तमिलनाडु तो बहुत गंदा था, मैं जब गया हूँ आप पूछ लो वहाँ के लोगों से, वहाँ तमिलनाडु में 40-40, 50-50 करोड़ में वाइस चांसलर की पोस्ट बिकती थी। मेरे पास में एक आया, कैसे मालूम हुआ? वहाँ पर एक वाइस चांसलर था, अन्ना यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, वो आया, सर मैं वाइस चांसलर था और मैंने अप्लाई किया है, आप मेरा ख्याल रखिए। मैंने कहा क्या करते हो? ऐसा है, पर वो गया, देन माई पीपल टोल्ड मी कि साहब इनके 200 ट्रक है हो गए वाइस चांसलर बनने के बाद में। मैंने पूरा क्लीन किया, एवरीबडी वॉज हैप्पी तमिलनाडु में। बल्कि मैं स्टालिन कैन फोन इन अप्रिशिएटेड मिला कि आप ठीक काम कर रहे हो, द बेस्ट प्योरली ऑन मेरिट एंड नथिंग एल्स, बेस्ट मैन योर सेलेक्ट। और ये इसको कम्युनल रूप देना, मैं तो पंजाब में आया हूँ ना, मैं तो सब गुरुद्वारे में गया हूँ, माथा टेकने गया हूँ, गुरु नानक देव जी का नाम करता हूँ, मैं तो आई एम, मेरी हर स्टेज में मैं तो कह रहा हूँ एक नए मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। सिखों जैसे बहादुर कोई नहीं है, इतना बड़ा त्याग इतना सफर किया है पंजाब ने, इसमें कहाँ सवाल है? ज्यादा 5 का ये बोलना कि हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ व्यक्ति का कहाँ सवाल आया? व्यक्ति का प्रश्न कहाँ आया? एक सिख जाट को हमने बनाया है, ये दैट इज नॉट द इश्यू ना। इश्यू तो ऐसा है कि आप लीगली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू आर डिफाइंग द लॉ।
as a chancellor and as a governor also. It is my duty. कि ठीक से चलना है, काम है बोलने का, उसमें बुरा लगने की जरूरत क्या है? सुधारिए ना, मैं सुधारने का मदद करता हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस हूँ ना भाई, वो पब्लिक लाइफ में भी आपसे कई गुना एक्सपीरियंस हूँ, यूनिवर्सिटी के काम में भी मैं पूरा, इसके पहले आसाम में था, वहाँ भी 5 यूनिवर्सिटी का बनाया, मतलब 27 में बोल रहा हूँ ना, तो 20 वाइस चांसलर तो 3-3 साल के टर्म में होते हैं ना, मेरे जाने के बाद में वो किए, और उसके बाद में सेकंड राउंड जब चालू हुआ तो उसमें से 7 कर दिए, फिर मैं इधर ट्रांसफर होके आ गया। 27 मैंने किए हैं, 27 वाइस चांसलर, 27 सर्च कमेटी बनाई है मैंने, 27 सर्च कमेटी वहाँ पर। मैं तो देखता हूँ कि एजुकेशन फील्ड सुधरे, और कायदे से तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी मैं करूंगा। उनकी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है। मैं कंप्लीट करता हूँ, आई विल गिव यू टाइम फॉर द क्वेश्चन। ये दैट इज नंबर 1, मतलब पहला इश्यू। तो मैंने कहा कि ये 3 बार फाइल आई ना, इट मीन्स आज आप बोल रहे हो कि हम जरूरत नहीं है चांसलर की, तो चांसलर को रिकग्नाइज करते हो, फाइल क्यों भेजे फिर आपने 3 बार? एक्सटेंशन के लिए फाइल भेज रहे हो, मतलब अधिकार है ना चांसलर का, आप अधिकार मानते हो? तो फिर चांसलर का जब अपॉइंटमेंट होता है, बोर्ड का चेयरमैन है, ऑनररी का मतलब क्या होता है इसका क्या? ऑनररी का मतलब तनख्वाह नहीं लेता, वो ऑनररी में तनख्वाह नहीं लेता, इसलिए ऑनररी आई एम कार्ड। ऑनररी का अर्थ दूसरा कुछ होता नहीं, आप भी चेयरमैन बनते हो ना आपकी प्रेस क्लब के कमेटी के, इसके आपको ऑनररी बोलेंगे, क्योंकि आप पैसा नहीं लेते वहाँ से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका अधिकार खत्म हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। दिस इज द, सोचना चाहिए। ये पहला इशू। दूसरा इशू, एक्ट भी बोलो, एक्ट के हिसाब से बोर्ड का चेयरमैन है, उसको बुलाना चाहिए था, इसलिए मस्ट ड्यूटी है, जाना जो। अब आई एम कमिंग फर्दर मेन, अब इसके बाद में फैसल है तो हाँ, बिफोर दैट आई टेल वन थिंग, ये है एक इशू कि गवर्नर इज इंटरफेयरिंग इन द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा है, आई रीड फॉर यू, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, दिस इज द पोजिशन। चांसलर तो चांसलर है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, चांसलर तो ठीक करेगा, ड्यूटी है, इज ड्यूटी बाउंड। ऑन द कॉन्ट्ररी गवर्नमेंट इज नॉट, दिस इज कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है, इट इज वैलिड टुडे एवरीवेयर 2012 का। क्यों हमको बिना मतलब कुछ भी बोलना? हम तो नहीं बोलते हैं, हमने तो 1 साल में कुछ भी नहीं बोला है, हम तो सीएम साहब की तारीफ ही करते हैं हमेशा। एक भी वर्ड हमने बोला क्या बताइए? 1 साल के एक भी किसी के बारे में कुछ भी हमने बोला? पर ड्यूटी तो मैं करूंगा, कम वाट में मैंने आप सब लोगों के सामने पंजाब की धरती पर शपथ ली है मैंने कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑल्सो, आई एम ड्यूटी बाउंड। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने संविधान की शपथ दिलाई है,
मैंने दिलाई है, उसको भी उन्होंने नहीं भूलना चाहिए, शपथ ली थी उसको ट्यूशन की। खैर नाउ आई ब्रिंग टू योर नोटिस सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट। एक जजमेंट है गुजरात का और दूसरा रिसेंट जजमेंट है बंगाल का। दोनों जजमेंट मैंने मेंशन किए हैं मेरे प्रेस नोट में। रेगुलेशन ये जजमेंट है, पार्ट ऑफ द जजमेंट आई एम रीडिंग फॉर यू। रेगुलेशन 1-2 ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन प्रोवाइड दैट दे आर एप्लीकेबल टू एवरी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेट बाय और अंडर ए सेंट्रल एक्ट। एवरी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड by or under central act, provincial act or a state act हो कुछ भी हो सभी है। और ये similar case जो ये बोल रहे हैं आप ध्यान से सुन रहे हैं ना सब, हाँ आप बोल दिया करो इसमें गुजरात वाला केस का जजमेंट में यही आर्गुमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में जो गया है, यही आर्गुमेंट किया था गुजरात गवर्नमेंट ने कि भाई हमारा एक्ट है 55 का पुराना एक्ट है हमारा वही एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च का जजमेंट है, मार्च 22 का अभी का लेट है, सुप्रीम कोर्ट है नथिंग डूइंग। सेंट्रल कोर्ट सेंट्रल रूल्स if there is a conflict in between both then central act will prevail। parliament ne pass kiya ho ye judgment hai supreme court ka, usko bhi aap defy karoge, supreme court ke judgment ko bhi nahi mante hain। aur latest judgment hai pehla hai wo गंभीर हरण गढ़वी का है, दूसरा है उसमें मेंशन हुआ है गढ़वी वाले में, दूसरा पंजाब का है। वेस्ट बंगाल ये है 11 अक्टूबर का है, 11 अक्टूबर ये लेटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का जज। अब इसमें क्या सिचुएशन आती है, आप हम ऐसा क्यों करते हैं, हमको क्यों बोला जाता है ऐसा। गवर्नर को आरोप ये लगाते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आता होगा, मेरे को कौन ऊपर से, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, नहीं करता कोई मेरे को ऑर्डर। सबसे बड़ा हूँ मैं, बहुत सीनियर हूँ, सम्मान से भेजा है मेरे को यहाँ, मेरे को कौन ऑर्डर करेगा, मैं मेरा काम में। हाँ मेरे को जरूरत हो कि किसी की गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरे को जरूरत नहीं रहती, आई एम फ्री टू टेक लीगल एडवाइस, आई डोंट आस्क, पूछने की जरूरत नहीं है ना। और यूनिवर्सिटी में मैं 27 यूनिवर्सिटी के अपॉइंट कर चुका हूँ, मैं पूछूंगा या मेरे कोई बोल सकता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया मैं यूज कर सकता हूँ, एज ए गवर्नर आई हैव टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द पोस्ट, बिना मतलब कुछ भी लांछन लगाना किसी के ऊपर, उसमें लोगों में गलतफहमी पैदा होती ना है हमारे बारे में, जबकि कोई कारण नहीं, हम सुधार रहे हैं,
मैं तो डिसिप्लिन ला रहा हूँ, टोटल ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूँ। अब आपको भी बताने में हरकत नहीं है, हमारे होंगे। मेरे आने के बाद में मैंने पहला जो होना चाहिए पैसा जनता का है, राजभवन का खर्चा 50% से कम हो गया, कर दिया। अरे लोग बोल इधर उधर के सब बंद करके एकदम राइट, पब्लिक का पैसा, पर मैं गवर्नर हूँ, कैसे साइपन होने दूंगा या इधर उधर जाने दूंगा। तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ की सुधारना, मेरिट पे हमारा सिलेक्शन करने का हमारा काम है। पहली यूनिवर्सिटी बोले आपने गड़बड़ कर दिया, दूसरे में गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ हम नहीं कर रहे, गड़बड़ हम कहाँ कर रहे हैं। आप भाई कायदे से काम नहीं कर रहे ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो मानिए है? उसमें क्लियर जब उसने लिख दिया है पहले जजमेंट में, गुजरात के जजमेंट में, कि गुजरात का एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब यहाँ का भी एक्ट यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकता। यूजीसी एक्ट विल प्रिवेल। और यूजीसी एक्ट में पावर है, चांसलर अपॉइंट करेंगे, यूजीसी एक्ट में है।